You all have talents, you all have understanding, you are all intelligent. All of you are special people and you have to work out in collective way and also individual way to show your quality of Sri Ganesh. That the rhythm of Sri Ganesha is working in him and his understanding of music, which is one of his qualities, is that he dances on the music of which Nataraja, the father, Shiva, has taught. He dances so well, so lightly he lifts his body, and the way he works it out is amazing. How does he do it with such a, and a short person with such a thick legs? He is very light, and the lightness comes because of innocence. Muladhara.
साक्षात श्री कल्कि साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निच्छत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गा।
पादये नमः। वेगदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परं देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान। हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महि पारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखि परम पद लीना बाग उजारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुर पुर मह भाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारु बज की कीले गदा बज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाचिन शाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो आदि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामि पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे बाध करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान ते
तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे ॐ शत्रुमर्दिनी नमः ॐ श्री अम्बिका देवी नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः ॐ श्री रक्षाकरी नमः ॐ राक्षसघ्नी नमः ॐ श्री चामुंडा नमः ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः ॐ नरकान्तका नमः ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः ॐ श्री शिर्दिसाईनाथ नमः ॐ श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय नमः ॐ श्री कार्तिकेय नमः ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः ॐ सर्वभयहारिणीरुद्ररूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Mano Buddhyam Kara Chitta Ninaham Nacha Shrotra Jitve Nacha Ghana च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद च प्राणसंयो न वै पञ्चवायु न वासप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चो पस्तपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम नमे द्वेषरागो नमे लोभमोहो
रामो नमो चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम न पुण्यम न पापम सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदानयन अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद शिवो हम शिवो हम चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम न मृत्युर्न शंका न मे जाति बे नैव मे नैव माता न जन्म न बंधु न मित्रं गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो अहम् निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams, that's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Jai Shri Mataji everyone. Shri Mataji ki asi manukampa mein, is sundar pratyakalin bela mein. हम समस्त सहजयोगी जिनके भीतर श्री गणेश जागृत है, श्री गणेश जी की कृपा से माँ कुंडलिनी जागृत होती है। श्री गणेश जी हमारे हर चक्र को स्वच्छ करते हैं, माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री गणेश जी एक नन्हे बालक के समान क्षमाशील, और मनुष्य से
जल्दी रुष्ट नहीं। श्री गणेश हमें संतुलन में रखते हैं, हमारे दुष्ट विचारों को तुरंत दूर कर देते हैं। श्री गणेश जी ही परम चैतन्य है। श्री गणेश के गण हमारी रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। गणेश गणपति है, गणों के अध्यक्ष है, अनेकों चमत्कार हमारे जीवन में श्री गणेश की कृपा से होते हैं। हमें पवित्र स्वच्छ रहना चाहिए, मन और विचार से, कर्म से। इससे श्री गणेश जी बहुत प्रसन्न होते। आगे आज की स्मृत वाणी में जाने श्री गणेश हमारे अंदर इस प्रकार से स्थित होके, जागृत होके हमारे सभी कार्यों को परिणाम देते हैं, सिद्ध करते हैं। श्री गणेश ही रितंबरा पक्के हैं, चैतन्य है। हम सबका सृजन श्री माता जी ने, श्री गणेश के ही स्वरूप से किया है। आप सभी ईश्वर के बालकों का, अबोध बालकों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान संतों का, जिन पे श्री गणेश जी की विशेष कृपा है, जो श्री गणेश के समान कुंडलनिया उठाते, आप सभी को मेरा सादर नमन। अपने चित्त को पूर्ण रूप से स्वच्छ करके बाह्य हृदय में रख लेंगे। पावन करके चित्त को सुषुम्ना में रखेंगे। मूलाधार से वलय तक, वलय से आकाश तक, आकाश से अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष से शून्य से महसूस करेंगे। अनंत में श्री गणेश को नाराजगी दूर कर सकते हैं, और जब हम नाराज हो जाते हैं तो उसमें हम बहक जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हम किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, किसी को खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ श्री गणेश से होता है, और श्री गणेश जो है आपके गुस्से को ठंडा कर देते हैं।
अब देखिए कि ईसा मसीह भी उसी तरह के हैं कि उन्होंने ये बताया कि सबको क्षमा कर दो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसके प्रति तुम गुस्सा करते हो, पर अगर तुम सबको क्षमा करना एक बार सीख लो कि सबको क्षमा कर दी, जिन्होंने उनको इतना अपमान करके, इतना सता करके और सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने परमात्मा से, अपने पिता से कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर दो, बिकॉज ये जानते, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि क्या करें। ऐसे जब ईसा मसीह ने कहा तो आप सोचिए जिस लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, इतना परेशान कर दिया, उनके लिए भी उन्होंने इतनी क्षमा की वृत्ति ली। सो ये उनका एक चरित्र है, एक स्वभाव है। और दूसरा भी ईसा मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब लोग उनके मंदिर के सामने बैठ करके और चीज़ें बेच रहे थे, जैसे अपने यहाँ भी है मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ चीज़ें बेचते हैं और वही चीज़ चढ़ाते हैं, जैसे एक नारियल को चढ़ाया फिर ला कर उसको बेचते हैं, माने उसका बिजनेस बना लेते हैं। तब उन्होंने हाथ में एक हंटर लेके सबको मारा और कहा कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हें अगर करना है तो ठीक है, जो कुछ भी है वो स्वच्छ तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं उसको लाकर फिर बेच रहे हैं, जो हार भगवान को चढ़ा रहे हैं उनको लाकर फिर बेच रहे हैं, इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा बिल्कुल ही गलत बात है। और इतना उन्हें क्रोध आया कि उन्होंने हाथ में हंटर लिया और उसको सबको तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। ये दूसरी साइड है। ऐसे श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की ये है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है, तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग, और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहाँ भी पधारे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया, आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया, ये सब गणों का काम है। और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं, अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं, शरीर से बाह्य की चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ आप जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है तब वो आपका शरीर और आपका सब धन और आपकी सब चीज़ें, बच्चे सबको संभालते हैं, पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन करके जीते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है उसके अंदर शुरू में होता है, 12 साल तक ये एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है इस तरह से इनको पता हो जाता है और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या कोई सी भी चीज़ आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो उससे ये लड़ते हैं। पर जब आप माँ के विरोध में कार्य करते हैं, माँ के विरोध में काम करने का मतलब है नैतिकता से गिर जाना, पिता के विरोध में जाने का मतलब है कि आप कार्यशील न हो, कार्यक्षम न हो, आप कार्यकर्ता न हो, आप में आलस्य आ जाए, ये तो पिता के खिलाफ पाप है। लेकिन माँ के खिलाफ पाप है जहाँ आप अपनी नैतिकता को खो देते हैं।
जिन्होंने अपनी नैतिकता को खो दिया है, ऐसे लोगों का ये चक्र बहुत कमजोर हो जाता है, और इसीलिए फिर ये चक्र जो है इसको ठीक करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जो लोग इस तरह से गिर जाते हैं और उनका ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे एड्स की बीमारी है या इसी तरह की जो बीमारियां हैं, इसे कि हम गुप्त रोग कहते हैं, ये सारे गुप्त रोग अनैतिकता से आते हैं, और ये अनैतिकता के रोग जो है किसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकते जब तक आपके गणेश तत्व ठीक नहीं हो जाएगा। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए। ये जो पवित्रता है उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है, इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही। और वो ये कहा कि तुम्हारे आँखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, thou shalt not have adulterous eyes, आँखें भी ऐसी हो वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आँखें निर्मल कर नहीं है तो ईसा मसीह वहाँ नहीं है। लेकिन देखिए परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग सबकी आंखें बहुत खराब है, इस औरत की और देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आंख ऐसी चलती रहती, कभी आंख स्टेडी नहीं रहती। और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आंखों से चलते हैं, और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे, उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मजा तो नहीं आता, पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है और आदमी इसी में पागल हो जाता है। तो ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आंख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए, किसी की और तेरी आंख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही, जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात की। ईसा मसीह ने ज्यादातर पवित्रता की ही बात की, जहाँ जहाँ बात की है वो ज़्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में, सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूर्ण तरह से वरण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश का स्थान है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चक्र पे एक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, चांसलर साहब बैठे हैं, जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, और हर चक्र पे ये काम करते। तो आज के इस योग की मैंने बात बताई कि उनका जो दूसरा स्वभाव है कि जो अंगार है उस अंगार को वो अंगार से भी ठंडा कर सकते, वो पूरी तरह से कर सकते। जैसे कि आपने देखा है जिस वक्त में रावण ने श्री राम के विरोध में बात की तो लंका में आग लग गई, तो आपके जो हनुमान जी हैं वो भी मंगलवार ही की उनकी पैदाइश है, और वो उनके पास नवधा शक्तियां हैं, उसके साथ ये दोनों ही मिलकर के ऐसे काम करते हैं। पर विशेषकर मनुष्य के अंदर का क्रोध हो तो उस क्रोध को कैसे शांत करना चाहिए ये श्री गणेश जानते हैं, और वो फिर इस तरह से उस पर युक्तियां करते हैं, उस पर ऐसे ट्रिक्स करते हैं कि वो आदमी एकदम हताश होकर के और फिर मान जाता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो गर्म तबीयत के लोग होते हैं उनको भी ये ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए इस दिन जब मंगलवार किसी पे अगर मंगली हो तो उसको कहते हैं कि तुम कोरल का जो पत्थर होता है जिसे मूंगा कहते हैं वो पहनिए, वो भी गर्म होता है, मूंगे का पत्थर पहने गर्मी से गर्मी मारी जाती है। वैसे भी आप देखिए कि जितने भी गर्म देश है वहाँ लोग मिर्चा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कहीं भी जाइए आप, अगर आप इंडिया में जाइए तो है ही साउथ इंडिया का खाना इतना मिर्चे वाला होता है कि आप खा ही नहीं सकते, और अगर आप और जगह जाइए चाइना में भी जो साउथ का चाइना है जैसे कैंटोन वगैरह, वहाँ बिल्कुल बहुत मिर्चे खाना होता है।
इसी प्रकार आप इटली में भी जो साउथ है या फ्रांस में साउथ है, वहाँ लोग बहुत मिर्चा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि मिर्चे से मिर्च मिटती है, गर्मी से गर्मी चली जाती है, इसलिए वो मिर्चा खाते हैं जिससे खूब पसीना आए और उनको ठंडक बनी रहे। इसी प्रकार श्री गणेश भी अपनी गर्मी से आपकी गर्मी ठीक करते हैं। आपके अंदर अगर कोई अहंकार हो जाए तो इस तरह से वो आपको दिखा देते हैं अपना प्रताप, कि उससे फिर आप खुद ही ठंडे हो जाते हैं। इस गर्मी का ही इलाज करें और उसके लिए श्री गणेश की आराधना करें और उनके प्रति अपने चमत्कार होता है, ऐसे लग रहा है कि बड़ा भारी चमत्कार है कि इस वक्त सब लोग, पर उसमें तकलीफ भी हो गई कि सब यहाँ पर इतने लोग भीड़ कर गए थे कि हम तो जाम में फंस गए और देर हो गई। पर देर या कोई सी भी चीज़ होती उसमें सबूरी की बात है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि जो समय हमारे नियत है वही समय पूजा होगी, उससे पहले हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो चीज़ नियति का है उसको क्यों बदला जाए, उसके तरफ लड़ाई झगड़ा करने से फायदा क्या? जो है सो है, जिस वक्त में जो होगा तब हो जाएगा, तब पूजा हो जाएगी। उसमें अब इस वक्त पूजा नहीं हो रही, ये टाइम था, कोई हम कोई घड़ी के गुलाम तो है नहीं। लेकिन इसके फायदे कितने होते हैं ये आप आगे जाकर देखेंगे कि अगर आप टाइम का गुलामी नहीं करें तो बहुत कुछ सहयोग फैल सकता है। पर जो आदमी टाइम की गुलामी करता है वो कभी सहयोग नहीं फैला सकता, क्योंकि उसको हमेशा रहता है ये टाइम में ये करना है, ये टाइम में ये करना है, और सहयोग के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता। पर जो कहेगा कि मुझे सहयोगी करना है तो पूरा टाइम उसके लिए पड़ा हुआ और पूरी चीज़ बढ़िया तरीके से हो जाती है। पर इस पर सिर्फ बात यह है कि एक तो अनुभव होना चाहिए और अनुभव होने के बाद उस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं। बहुत लोग सुबह से शाम तक मुझे अपने चमत्कार बता रहे थे कि वाह मैं तो परेशान था कि जा रहा हूँ, कब मुलाकात होगी, वो आएंगे, देखता क्योंकि सामने ही चले आ रहे। किसी भी चीज़ की आपके मन में इच्छा हो जाए वो चीज़ पूरी हो सकती है, पर विश्वास की बात है। और विश्वास में अंधविश्वास सहयोग में नहीं है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा है, जहाँ पर कि हम पूरे दिमाग से सब देखे हैं। जब हमने सब देख लिया और तब भी हम नहीं मानेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा बेईमान हैं, या आप झूठ बोलते हैं, और या आप महामूर्ख। इनमें से तीन चीज़ें हो सकती हैं कि आप जब सब चीज़ों को देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, वो सब वर्तित हो रहा है, उस पर भी आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो फिर आप में कुछ ना कुछ खराबी। ये सब देखते हुए आप सोच सकते हैं कि श्री गणेश कितनी बड़ी चीज़ है, और वो इस महाराष्ट्र में 8 अष्ट विनायक हैं जिनकी वजह से इस महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा पुण्य मिला हुआ। लेकिन तो भी लोग इतने पागल हैं वह इसी के पीछे दौड़ते रहेंगे, यही सब करते रहेंगे, कर्म कांडों में फंस जाएंगे, पर ये नहीं होगा कि सत्य को प्राप्त करें। अब आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, बहुत समझदार हैं, जो आप लोगों ने सत्य को खोजा और आपने पा ली। लेकिन अब इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप गणेश के गुणों को अपने अंदर ले लीजिए। मैं देख रही थी हजारों लोग आए थे गणेश जी की पूजा के लिए, इनमें से कितने लोग गणेश जी को जो मानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनमें गणेश जी का कोई भी गुण हो ऐसा कुछ दिखाई देते? शराब पियेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, औरतों को सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे, और श्री गणेश के अंगारिका में पहुंच गए। अरे आप जब इतनी बड़ी अंगार है तो आप काहे को आए हैं? इसका कोई विचार ही नहीं करता कि हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर कितने हैं। हाँ हमें उन पर बड़ा विश्वास है, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अच्छा पर तुम्हारे अंदर उसके कौन से गुण है, ऐसे कोई सोचता है? लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो उनके गुण भी आपके अंदर आने चाहिए, और जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं आते तब आपका मानना न मानना बराबर है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आज हम श्री गणेश की पूजा करने वाले हैं, और श्री गणेश और गौरी की पूजा होगी, और इसमें यही जान लेना चाहिए कि गौरी एक कुंडलिनी ही है, महाकुंडलिनी महागौरी है, और इसका कार्य यह है कि अपने बच्चे को जो बहुत सालों से खोज रहा है उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त कराए, उसका पुनर्जन्म करें।
ये इस महागौरी का कार्य है जो आप सबके अंदर उपस्थित है। इसलिए आज हम सिर्फ गणेश जी और गौरी जी की पूजा करेंगे और बाद में देवी की पूजा होगी। सबको अनंत आशीर्वाद। अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी सुषुम्ना नाड़ी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, रीढ़ की हड्डी के एकदम अंदर 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 उतार लेंगे। पूरा चित्त ब्रह्म नाड़ी में सभी चक्र इसी ब्रह्म नाड़ी में स्थित है। ये हमारा विष्णु मार्ग है। इसको महसूस करेंगे अपने अंदर। चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे। श्री गणेश से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु श्री गणेश, आप साक्षात चैतन्य हैं। महसूस करेंगे श्री गणेश को चैतन्य स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, आप ही आदि और आप ही अंत हैं, आप अनंत हैं। महसूस करेंगे श्री गणेश को, पंच तत्वों में पृथ्वी अंदर श्री गणेश महसूस करेंगे। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स श्री गणेश महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र पृथ्वी के अंदर है, जुड़ा हुआ है। श्री गणेश वायुमंडल में फैले कार्बन जीवन की शक्ति लाइफ फोर्स एलिमेंट फॉर लाइफ पूरे वायुमंडल में महसूस करेंगे। स्वस्तिक और ओंकार पूरे वायुमंडल में पूरे लेफ्ट साइड में अपने महसूस करेंगे स्वास्थ्य का
श्री गणेश का कार्बन स्वरूप। हमारी दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करता है। राइट साइड में ओंकार कार्बन के रूप में श्री गणेश सब व्यवस्थित करते हैं। महसूस करेंगे ओंकार को, वायुमंडल आकाश अंतरिक्ष में शून्य सरोवर में ओंकार पूरा चित मूलाधार से शून्य सरोवर तक महसूस करेंगे श्री गणेश को। मूलाधार पे चित्त फिर से स्थित करेंगे। प्रार्थना करेंगे हे प्रभु श्री गणेश, आप ही प्रकृति हैं, आप ही जीवन है, ये प्रभु श्री गणेश आप ही श्री माता जी की प्रथम सृजन है। आप ही पीतंबरा चैतन्य है। आपकी कृपा से सभी देवी देवता मेरे अंदर जागृत है। आप ही देवी की मुख्य सहायक है। आप ही गणों के राजा हैं, गणपति गणाध्यक्ष हैं। हे प्रभु श्री गणेश आप प्रथम सहयोगी मेरी पवित्रता आप है। कृपा कीजिए मुझे योग प्रदान कीजिए। आपके समस्त गुण और शक्तियां मेरे अंदर बह सके। पूर्ण एकाकारिता प्रदान कीजिए। महसूस करेंगे हमारी पूरी आकृति में श्री गणेश समा गए।
नाक, सर, घुटने, हाथ, सबके अंदर श्री गणेश। महसूस करेंगे गौरी माँ, माँ कुंडलिनी, और सुगमता से विष्णु मार्ग में ऊपर आ रही। पूरा चित्त अपने ही अंदर, अपने ही विष्णु मार्ग में स्वाधिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र पे श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। हे माँ आदि शक्ति, आप ही महागौरी, आप ही माँ कुंडलिनी, आप श्री गणेश की माँ है, सहज योगियों की माँ है। हमारा जन्म आपने दिया, श्री माता जी कृपा कीजिए, अपने विराट स्वरूप में मुझे समा लीजिए, श्री गणेश के समान अपना अंग प्रत्यंग बना लीजिए। महसूस करेंगे श्री माता जी के श्री चरण ब्रह्मरंध्र पे, एक संतुलन चल रहा है दाएं और बाएं का। ब्रह्मरंध्र के दोनों ओर कौन संतुलन है, महसूस करते जाएंगे माँ के अंदर पंच तत्वों को। पृथ्वी को, जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, अंतरिक्ष में ले आएंगे चेत, सभी ग्रह, विशेषतया मंगल ग्रह, श्री गणेश को नमन करेंगे। अन्य सभी ग्रहों को महसूस करते रहेंगे,
बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, लोटो, नवग्रहों को नमन करेंगे। आकाश गंगा सबसे होते हुए शून्य सरोवर तक पहुंचेंगे, पार करेंगे अंतरिक्ष को, शून्य सरोवर, न जल, न थल, न वायु, नागदेव, सब शून्य, सब कुछ शून्य, बीचो बीच विराजे श्री सदाशिव, नील वर्ण की ध्यान मग योगी अवस्था में जाने से पहले सालोक्य में दर्शन करेंगे श्री सदाशिव। विनती करेंगे, हे परम पिता, हे परमेश्वर, श्री गणेश के समान सदैव मुझे प्रेम दीजिए, मुझे अपना प्रेम दीजिए, मुझे योग प्रदान कीजिए, समा जाएंगे श्री सदाशिव की बाएं हृदय में, हृदय का स्थान पाएंगे योग में, परम पिता के हृदय में समा जाएंगे, समा जाएंगे, समा जाएंगे, धीरे धीरे चित्त को रमने देंगे, योग स्थिति
प्रयास करेंगे धीरे धीरे बाहर आने का। नमन करेंगे। परमपिता को आपकी कृपाएं अनंत, आप अनंत, आपकी शक्ति अनंत, हे परमपिता, हम आपके अबोध बालक हैं, श्री गणेश के समान आदि शक्ति ने हमारा सृजन किया, हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा कीजिए, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आज की योग स्थिति के लिए श्री गणेश रूप में हमें हृदय में बिठाने के लिए माँ आदि शक्ति हमारा सृजन करने के लिए, आपके शुद्ध इच्छा के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपका सानिध्य सदैव रहे, देश और काल से परे, अनंत अनंत अवस्था, अनंत अनंत समय तक आपका सानिध्य बना रहे, नमन करेंगे और धीरे 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 अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे, पूरे विश्व में चित्त, सभी कॉन्टिनेंट, ओशंस, सब पे चित्त, सभी सहजीवियों पे चित्त, सुपर ह्यूमंस, सभी सुपर ह्यूमंस पे चित्त, पूरी प्रकृति विचित्र परम चैतन्य पूरे विश्व में फैल रहा है, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
चित्त को समेटेंगे, अपने देश, स्टेट में, प्रोविंस में, अपनी सिटी में, अपने एरिया में, उन सभी एरियाज में जहां हमारा चित्त जाता है, सभी लोगों पे जिन पे हमारा चित्त जाता है, सभी परिवार जनों पे जिन पे हमारा चित्त सदैव रहता है, पति, बच्चे, सब आदि शक्ति को जाने, जान के अनजान न बने, सबके सहस्त्रार में माँ विराजे, मध्य हृदय में जगदम्बा जागृत, बरसने देंगे परम चैतन्य, चित्त समेट के सहस्त्रार पे रख देंगे, शिव माता जी के शिचन, सारा कार्य आपको समर्पित ना, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन श्री माता जी, आपके प्रेम, आपकी सुरक्षा, आपकी शक्ति सदैव हमारे साथ है, सारे गण हमारे साथ हैं, श्री गणेश हमारे अंदर जागृत है, आपकी कृपा से हम सहयोगी अनंत कोटि नमन मां निर्मला, अनंत कोटि धन्यवाद, धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा को महसूस करेंगे, यहीं पे चित्त को स्थापित कर देंगे, जय श्री माता जी, आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सबको जय श्री माता जी, 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 सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। आज
आपने माँ की कृपा से हम सबको भूत बालक बना दिया, चेतन स्वास्तिक सब कुछ पूरा ब्रह्मांड जैसे सब हम उसको बिल्कुल साक्षी भाव से देखते जा रहे थे। सब कुछ हमारे बीच में था, हम में था, हम उसमें थे। बहुत सुंदर गहन ध्यान यात्रा चैतन्य की लगातार बारिश पूर्ण करने विचार था। अच्छा आपको माँ की ब्लेसिंग सदैव ऐसे ही मिलती है और हम लोगों तक पहुंचती है। थैंक यू माँ आज के सुंदर ध्यान के लिए, उस नीले शिव के लिए, तथा शिव के लिए जिसमें हम लोग आज समाये थे साथ में आप। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू बच्चा। जय श्री माता, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी एवरीवन, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।